जैसे कल हम लोगों ने एजम्पशंस ऑफ फाइव एरियाज पढ़ा था, कौन कौन सी एजम्पशंस थी, कि सेपरेशन दूर दूर होना चाहिए, इंटरएटॉमिक उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, जो एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और PV=nRT में जो V होता है वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस होता है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हम इग्नोर कर देंगे, n / v का रेशियो कम से कम होना चाहिए, जिसके लिए P कम से कम होना चाहिए और T ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स बेसिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा हम लोग अजम्पशंस मान के चले थे। अभी नाउ व्हाट टू डू, देखो सुनो ध्यान से, हमें यहाँ दो तीन चीजों पर पहले एम्फसाइज करें, फिर हम लोग आएंगे कि प्रेशर जो भी किसी भी कंटेनर में अगर हम एक गैस को डालते हैं तो उसकी साइड वॉल्स पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, बट जो कि ये कॉन्सेप्ट अभी यूज होने वाला है। तो देखो अभी हम बात करेंगे कि एवरेज आरएमएस इन स्पीड्स के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है बच्चों, हाँ, और इस कंटेनर में एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो छोटा एन है दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ऐसा अपन मान के चलेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, और वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ऐसे 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 इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस वो जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे। अभी हमें क्या करना है, इन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी होंगी जरूर, मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, एंड और इस वाले की वेलोसिटी vn है। तो हमें ना जैसे पूछा जाता है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, फिर हमें आरएमएस वैल्यू पूछी जाती है, तो v एवरेज निकालना इज नॉट अ बिग टास्क, बोलो जल्दी v एवरेज कैसे निकालते बच्चों, अभी सुनो, v एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हो, और बहुत सारी किताबों में आपको ये भी सिंबल मिलेगा लिखने का, तो दोनों का मतलब v एवरेज है, तो बोलो v1 plus v2 plus up to vn by n, ठीक है ना, n बड़ा n माना है तो बड़े n से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है स्क्वायर का एवरेज निकालो, तो v स्क्वायर का एवरेज देखो क्या होता है, v स्क्वायर का एवरेज बोले तो v1 का स्क्वायर plus v2 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू vn का स्क्वायर बाय n, तो किसी भी फंक्शन का आरएमएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, स्क्वायर करो उस फंक्शन का, फिर उसका मीन निकालो, फिर उसका रूट ले लो। मान लो वैसे फंडा पता क्या होता है, किसी भी फंक्शन का अगर हमें एवरेज निकालना है, f as a function of t हमें गिवन है, और इसका v wish to calculate the average, तो कैसे निकालते हैं वो फंक्शन dt by tt। बट अभी इस पे एम्फसाइज मत करो आप लोग, है ना, ये अपन 12th में बात करने वाले, बट आरएमएस कैसे होता है, कोई भी फंक्शन गिवन है जैसे ये गिवन था, इसका स्क्वायर करो इंडिविजुअल, उनका मीन निकालो, और फिर क्या कर दो रूट, तो ध्यान से देख ये पहले इनका स्क्वायर किया, फिर उनका क्या निकाला मीन, अब क्या कर दो रूट, तो दोनों तरफ रूट ले दो, तो जो ये वाली वैल्यू कहलाई जाती है दिस इज योर वी आर एम एस, क्या बोली जाती है वी आर एम एस। अब ध्यान से देख वी आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू वी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अच्छा देख ध्यान से, अगर मैं यहां से अंडर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मैं ये लिख सकता हूं v स्क्वायर आरएमएस v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इसका कहां यूज करेंगे अभी बताता हूं। याद करो कल हम लोगों ने बोला था कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, तो क्या हुआ था यू इनिशियल यानी यू जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो गई थी जीरो। अगर मुझे इसकी टोटल एनर्जी निकालनी तो टोटल एनर्जी क्या होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरेक्शन यानी जीरो, तो साइनेटिक एनर्जी क्या होगी काइनेटिक, स्केलर या वेक्टर, स्केलर ऐसे मत बोलो स्केलर क्वांटिटी, तो सबको ऐड कर दो डायरेक्ट जल्दी बोलो, सबका मास सेम माना था हम लोगों ने, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी, जल्दी बोलो
1 by 2 and b 1 square plus 1 by 2 and b 2 का square and ऐसे करते करते 1 by 2 and b n का square ध्यान से देख क्या चीज कॉमन आता है हाफ n हाफ into n कॉमन लेते हैं 1 by 2 into m कॉमन ले लिया बच्चों जल्दी बोलो b 1 का square plus b 2 का square plus b 2 का square अब b n का square बोलो लिख सकता हूँ yes sir अब ध्यान से देखो क्या मैं इसको कैपिटल n दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो कर सकते हैं हम किसी ने भी n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से ध्यान से देखो ये m into n क्या बना टोटल मास भाई एक पार्टिकल का मास है मैं ऐसे n पार्टिकल्स हैं तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या बना mt n into n नहीं बोला पक्का चलो आ जाओ तो ध्यान से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 by 2 into mt mt बोले तो टोटल मास और ध्यान से देख ये पूरा फैक्टर क्या बन गया आपके पास v स्क्वायर r सब क्या होगा v स्क्वायर r बहुत सुंदर ये मुझे अभी जरूरत पड़ने वाली है जो कि मैं बात करने वाला हूं कि कोई भी गैस किसी भी कंटेनर की दीवारों पर जब कोलिजन होगा तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है थोड़े याद करो हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ी थी इस बात को जब हम लोग बात कर रहे थे एनएलएम के बारे में तो एनएलएम में हम लोगों ने बोला फोर्स क्या होता है डीपी बाई डीपी ये सेकंड लॉ थी उसकी यस सर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हां या ना बोलो यस सर अब सोच के देख मोमेंटम का चेंज होगा ये आपको पता है कि मान लो अगर मेरे पास एक दीवार है और हमने कल बात करी थी चाहे ये कोलिजन कैसा भी हो पार्टिकल पार्टिकल्स के बीच में या पार्टिकल दीवार के बीच में कोलिजन हमेशा इलास्टिक रहेगा इलास्टिक का मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी जितनी रफ्तार से आएगा उतनी ही रफ्तार से वापसी आएगा जितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा उतनी ही एंगल से वापसी जाएगा मोमेंटम याद होना चाहिए आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि मान लो अगर आपके पास ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है गया स्ट्राइक किया बच्चों स्ट्राइक करके क्या होगा इसी वाले पाथ को रिट्रेस करेगा तो जाते हुए का मोमेंटम एम भी था आते हुए का मोमेंटम भी एम भी है क्योंकि कोलिजन हमेशा इलास्टिक है तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी तो चेंज कितना है नहीं मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है तो वी हैव टू टेक द साइन ऑफ डायरेक्शन आल्सो ये इधर जाने वाली डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हो ये डायरेक्शन तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल है ना डेल्टा पी क्या होता है आपके पास चेंज इन मोमेंटम यानी पी फाइनल माइनस इनिशियल ध्यान से देखो p final अगर इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव ये पॉजिटिव ले रहे हो तो वो नेगेटिव चॉइस इज यूअर्स तो माइनस m into v माइनस m into v तो मोमेंटम का चेंज कितना है माइनस 2 m into v मोड के साथ चलो तो मोमेंटम का चेंज कितना है 2 m into v यहां तक समझ में आया पक्की बात अगर मुझे मोमेंटम पता लग जाए टाइम पता लग जाए तो क्या मेरे लिए फोर्स निकालना बहुत आसान है फोर्स पता लग जाए तो प्रेशर निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल है नहीं फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है प्रेशर आप सोच के देख यहां से जो चीज आपको याद रखनी है जब हमने बात करी कि एफ डी टी दिस इज इक्वल टू डी पी ये होता है ना अगर मुझे एफ एवरेज के बारे में बात करनी क्योंकि मैं तो बात करूंगा एवरेज फोर्स के बारे में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है ना एवरेज फोर्स के बारे में बात करूं तो एवरेज फोर्स के बारे में बात करते हुए क्या करो अगर आप जो चेंज इन टाइम है बच्चों इसको अगर आप 1 सेकेंड के लिए कन्वर्ट कर दो 1 सेकेंड तो देखो क्या कह सकते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड क्या वही एफ हो अरे बोलो भाई यस सर चेंज मोमेंटम का चेंज 1 सेकेंड में निकाल लो क्या वही एफ के बराबर होगा बस वो हमें निकालना है अभी देखो इसका हमें क्या करना प्रेशर कैलकुलेट करना है प्रेशर क्या होगा फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स कैसे निकालेंगे मोमेंटम का चेंज 1 सेकंड में एक पार्टिकल का फिर ऐसे n पार्टिकल्स होंगे सबका निकाल लेंगे तो एवरेज फोर्स आ जाएगा एवरेज फोर्स से एरिया को डिवाइड कर देंगे प्रेशर आ जाएगा ये हम लोगों की अप्रोच चलने वाली है थोड़ा बहुत समझ में आया आप सुनो जब हम ये प्रेशर की डेरिवेशन करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है शायद बहुत बच्चों को याद भी होगा 1/3 रो v स्क्वायर rms ये क्यों इंपॉर्टेंट है रीजन समझ जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ऐसा मान के चलेंगे कि यहां पर पहली बात तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जितने पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहे होंगे उतने ही y में जा रहे होंगे और उतने ही z ये मान के चलना बच्चों हम लोगों को
जितनी भी पार्टिकल्स चलेंगे ना सबकी रफ्तार अलग अलग हो सकती है। देख हमने यहाँ पे माना दी है V1, V2, V3, हमने ये नहीं माना कि सारे के सारे पार्टिकल एक ही स्पीड से जा रहे हैं, पास हो रहा है। तो दीज आर सम अजम्पशंस जो हमें लेके चलनी पड़ेगी, कौन कौन सी, कि जो भी जितने भी पार्टिकल एक्स में जा रहे हैं, अगर एक्स में 1000 पार्टिकल जा रहे हैं तो वाई में भी 1000, जेड में भी 1000, सभी पार्टिकल की स्पीड अलग अलग होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे मान के चलेंगे, बात समझ में आ गई। अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम अपन बात करेंगे प्रेशर की। अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर, जिसका फॉर्मूला है 1/3 रो इनटू वी स्क्वायर आरएमएस। ये अपन को प्रूव करना है ना, ये सबको याद भी होगा। वैसे मान लो कि हम बड़ी आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि एक हमारे पास क्यूब शेप का कंटेनर है जिसकी साइड लेंथ बोलो कितनी माने, बोलो ए मान लेते हैं, तो इसकी वॉल्यूम बोलो कितनी हो गई ए क्यूब। चलो अब ये हम एक्स मान लेते हैं, इसको अपन वाई मान लेते हैं, अब यहाँ पे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, सभी के सभी की रफ्तार अलग अलग होंगी, जितने x में जा रहे हैं उतने y में जा रहे हैं उतने ही, तो जितना x वाले पार्टिकल प्रेशर लगाएंगे वॉल पे उतना ही y वाले भी लगाएंगे और उतना ही z, ये मान के चलना, आप देखना ध्यान से। तो मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v1 है, बाबा इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसका वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे x में भी y में भी और z में भी, यानी कि इसकी जो स्पीड है x में ये है, y में ये है और z में ये रहा। v1 वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ vx i + vy j + vz, ऐसे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। नाउ मैं बात करूंगा इस वाली दीवार के बारे में, बाकी तुम समझ लेना कि हर दीवार के साथ यही इंसिडेंट हो रहा होगा। पार्टिकल आया स्ट्राइक किया तो इसके पास मोमेंटम है m into vx, स्ट्राइक करेगा इलास्टिक कोलिजन होगा तो चेंज करेगा m vx में ही, तो चेंज कितना आएगा -2mvx, और के बारे में बात करो तो चेंज कितना आया 2mvx, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल जल्दी बोलो 2mvx। अच्छा बच्चे ध्यान से सुनो, जब ये पार्टिकल आया इस पे स्ट्राइक किया, ये दीवार है बच्चा, इसके सामने वाली दीवार ये है, ध्यान से देख, यहां से यहां तक आएगा कितना डिस्टेंस चला ए, फिर वापसी यहां तक जाएगा कितना डिस्टेंस चला ए, फिर स्ट्राइक करेगा तो जाके आने में कितना समय लगा, बस समझ लो भाई, गया आया स्ट्राइक किया। अब यहां पे आप लोगों का दिमाग में एक क्वेश्चन उठ जाना चाहिए कि सर क्या ये एक ही पार्टिकल है क्या, नहीं पार्टिकल तो बहुत सारे, पर सर पार्टिकल बहुत सारे तो क्या एक ही पार्टिकल चलेगा, ये पार्टिकल बिना कोलिजन के चल पाएगा, नहीं कोलिजन तो होगा जरूर, अब कोलिजन होगा तो क्या गारंटी है सर ये पार्टिकल चले, नहीं कोई गारंटी नहीं है, बट एक बात सत्य है क्या कि सभी पार्टिकल का मास सेम है, और ये भी सत्य है कि जब ये पार्टिकल चलेगा चलते चलते जब दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा तो हो सकता है इसकी डायरेक्शन ही हो जाए, बट शायद ये वाला पार्टिकल सीधा चलने लग जाए, फिर ये तीसरे पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करे, हो सकता है वो वाला पार्टिकल ऐसे चलने लगे, दूसरा पार्टिकल सीधा चलने लग जाए, हाँ है ना बोलो, यानी कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल हमेशा अवेलेबल रहेगा जो इसको रिप्लेस कर देगा, यानी फ्लो तो सीधा ही जाने वाला, कोई दिक्कत आइडेंटिकल माने तो हम इसमें मान सकते कोई बुराई नहीं है। तो जब ये पार्टिकल यहां से स्ट्राइक किया ए पॉइंट से, वापसी ए तक आने में कितना समय लगेगा सर डिस्टेंस वाइज स्पीड, तो यहां से गया वापसी आया तो टोटल डिस्टेंस बोलो, तो टाइम कितना लेगा, डेल्टा टी कितना लिया बच्चों 2l डिवाइडेड बाय vx, इतने टाइम के बाद ये दोबारा कोलाइड करेगा, यानी फिर मोमेंटम चेंज होगा, तो मोमेंटम चेंज एक सेकंड में कितना होगा, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं भाई, ये मोमेंटम था इतने टाइम के बाद दोबारा मोमेंटम चेंज होगा तो एक सेकंड में कितना होगा, टी टाइम इतना मोमेंटम तो वन टाइम में 2mvx बाय डिवाइड कर दो मोमेंटम चेंज इन वन सेकंड आ गया, तो यहां पे लिख दो क्या कि मोमेंटम चेंज इन वन सेकंड, बोलो कितना है बाबा 2mvx बाय 2l डिवाइडेड बाय vx, vx को ऊपर लिया, अच्छा अपन लोगों ने ये माना है कोई नहीं, यहां पे l मान लेते हैं,
कोई दिक्कत? ठीक है, डिवाइडेड बाय वी एक्स, देख ध्यान से, टू टू विल कैंसिल आउट, वी एक्स ऊपर चला गया, एम वी एक्स का स्क्वायर बाय एन। दिस इज मोमेंटम का चेंज इन वन सेकेंड। क्या चेंज इन मोमेंटम इन वन सेकेंड इज एफ एवरेज? बिल्कुल, अभी अभी तो देखा है। एफ एवरेज क्या होगा? डेल्टा पी वाई डेल्टा टी वही, और डेल्टा टी अगर वन लेके चले तो चेंज इन मोमेंटम ही एफ एवरेज होगा। चेंज इन मोमेंटम इन वन सेकेंड, नहीं आया समझ में? तो ये तो एफ एवरेज आते हैं हमारे। अब क्या ये एक ही पार्टिकल है क्या बच्चों एक्स डायरेक्शन? नहीं सर, देर आर एन पार्टिकल। देखो ना, हम एन पार्टिकल से, हर पार्टिकल का एक्स कॉम्पोनेंट कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं आया समझ में? तो ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ठीक, हाँ, चेंज इन मोमेंटम इन, यानी एफ एवरेज इन एक्स डायरेक्शन, देखो क्या लिख सकते हैं। एम बाई एल तो सेम रहेगा, समेशन ऑफ एन वी एक्स का स्क्वायर इन टू आई, वेयर आई बिलोंग्स टू वन टू एन। देखो ऐसे वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री का स्क्वायर अप टू वी एक्स एन का स्क्वायर। नहीं आया समझ? आ गया। अच्छा मुझे एक बार बताओ, जो चेंज एक्स में आया होगा वाई के लिए बताओ एक बार, वाई के लिए एफ एवरेज इन वाई मॉड m by l summation of i equals to 1 to n v by the square i। मुझे एक बार बताओ बस, क्या ये दोनों का जो प्रेशर एवरेज आएगा उसके मतलब एवरेज फोर्स आएगा सेम आएगा अलग अलग आएगा? सेम है, हम पहले बोल के चले थे कि गैस हर दीवार पे सेम प्रेशर लगाएगा। तो सिमिलरली f z, f एवरेज इन z बोलो m by l into summation of i equals to 1 to n v z y का स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूं अगर तुझे बुरा ना लगे कि summation of v x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ v y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ v z के बराबर ही है। n पार्टिकल्स हो जाएगा सिर्फ ये फर्स्ट सभी के सभी पार्टिकल्स, और ये मार्केट चल रहे हैं ना, जितने पार्टिकल एक्स में जा रहे उतने वाई में जा रहे, नहीं सबसे। अब सुन, अब जो ये वी वन है इस वी वन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देख ध्यान से। बेसिकली हमें क्या चाहिए, वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का है ना, तो वी वन का स्क्वायर देखो क्या लिख सकते हो, वी एक्स का वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी वाई वन का स्क्वायर प्लस वी जेड वन का स्क्वायर। सिमिलरली वी टू का बोलो, वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस वी वाई टू का स्क्वायर एंड सो ऑन वी जेड वी एन का स्क्वायर बोलो, वी एक्स एन प्लस स्क्वायर प्लस कैपिटल एन माना है प्लस वी वाई एन का स्क्वायर प्लस वी जेड एन का स्क्वायर। चलो एड करो, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस ल ल ल ल v n का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अरे बोलो भाई, आ गया। चलो चलो चलो, समेशन ऑफ v v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2 v n का स्क्वायर v n का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू vx1 vx2 vx3, मतलब vx1 vx2 vxn। तो बेसिकली वो तो यही टर्म बन गई, नहीं है? तो ये क्या हो गया, समेशन ऑफ वी एक्स आई वी एक्स का स्क्वायर सबका प्लस प्लस समेशन ऑफ वी वाई का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी जेड का स्क्वायर। और ये हम ऊपर लिख चुके हैं कि ये तीनों क्या है, सेम है, ये तीनों क्या है, सेम। नहीं आया समझ में? चलो आ जाओ, तो समेशन ऑफ v का स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट टू x y z तीनों सेम है, तो 3 समेशन ऑफ dx का स्क्वायर। यहां से dx के स्क्वायर की वैल्यू उठाओ, यहां पे पुट कर दो, है ना, पुट कर दो, v स्क्वायर प्लस 3। देखो f एवरेज कितना है बच्चों, सो m बाय l m by l summation of vx का स्क्वायर इज नथिंग बट v स्क्वायर summation p। अब ध्यान से देखना, तो इसको चाहे तो बेशक यहां पे लिख ले, i की वैल्यू 1 से है, बेसिकली टोटल समेशन आ गया आपके पास, है ना। समेशन का मतलब ही सम होता है, ये लिखो या ना लिखो, तो ये जाके m by l 3 नीचे आ गया ना, तो 3 summation of
वी स्क्वायर। अब ध्यान से देख, अगर मैं इस वाली टर्म को, ये तो फोर्स आया, प्रेशर निकालना है, इस दीवार का एरिया क्या होगा परपेंडिकुलर टू दी फोर्स, देखो फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो यही परपेंडिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन होगा कितना, एल स्क्वायर, दीवार है स्क्वायर है एल स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय एरिया कर दो, ये थ्री है बच्चों, ये बन गया। ध्यान से देखो एल इंटू एल स्क्वायर क्या बन गया, एल क्यूब, तो प्रेशर का फॉर्मूला देखो क्या बना, एम समेशन ऑफ वी का स्क्वायर बाय थ्री एल क्यूब, डन। अब इसको मैं एन से मल्टीप्लाई और एन से डिवाइड कर रहा हूं, छोटा एम इंटू एन क्या बन गया, टोटल मास। अबे क्या हो गया, तू आवाज कैसे नहीं दे रहा, समेशन ऑफ वी का स्क्वायर बाय एन, एल क्यूब क्या है, वॉल्यूम, थ्री इंटू वी, ये देख ये कहीं कुछ पढ़ाया तूने अभी अभी, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अप टू ऐसे ऐसे करके ये क्या बन गया, v स्क्वायर r, पक्का, हां, तो ये क्या बन गया, p दिस इज इक्वल्स टू m टोटल बाय 3 इनटू v इनटू v स्क्वायर r, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, तो p दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 रो इनटू v स्क्वायर r। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, अब मुझे एक बार बताओ, अभी कुछ देर पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाला था, बोलना एक बार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम टोटल प्लस आई थिंक। ध्यान से देख, अगर इस इक्वेशन के बारे में बात करूँ, है ना, इस इक्वेशन के बारे में बात कर लेते, दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो से डिवाइड कर दो, दो से मल्टीप्लाई और दो से, देखो एक स्टार इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी, तो फ्रॉम स्टार इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी बाय 6 p into v, p को इधर ले आओ, तो 2 बाय 3 into 2 vr, सही, दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड, mt बाय v स्क्वायर r, तो ध्यान से देखो ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर बना काइनेटिक एनर्जी, हां 2 बाय 3rd ऑफ काइनेटिक नहीं है, तो PV this is equals to 2 by 3 of time and PV की वैल्यू होती है nRT। अब थोड़े याद करो, इधर एक मिनट, ये हमारा काइनेटिक है ना, PV की वैल्यू nRT के बराबर होती है ना, हां, तो ये काइनेटिक एनर्जी वो वाला फार्मूला लगा, अब मेरी बात सुनो, टेंपरेचर की डेफिनेशन क्या बोली थी, काइनेटिक एनर्जी पर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी एन आर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन सब कुछ जीरो बटा सन्नाटा नहीं आया, जीरो केल्विन का मतलब समझते हो ना, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर सब कुछ एकदम सन्नाटे में होता है, हम कुछ नहीं कह सकते, तो कोई भी टेम्परेचर याद कर, अभी तो नहीं बोला था कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जीरो केल्विन के अलावा हीट लेते भी और हीट, तो बेसिकली जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर उसके उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, नहीं आया समझ में, पक्की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कभी भी पूछी जा सकती है, ये प्रेशर का प्रूफ है, रिजल्ट हमेशा याद होना चाहिए, बट जो भी क्वांटम थ्योरी पेपर होंगे जरूर, तो ये प्रूफ इज वेरी वेरी, और दोनों ही केसेस में प्रूफ तुम्हें याद रखना ही रखना, याद रख ले तो अच्छी बात है, नहीं तो ये रिजल्ट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, बात समझ में आ गई, पक्की बात, श्योर, उतार।